हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम यहाँ पे बनाने वाले हैं सेंटा क्लॉज, वो भी इन क्राफ्ट चीज़ों से। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। उसको बनाने के लिए ये देखिए, मैंने पहला ये जो है क्राफ्ट पेपर लिया हुआ है, इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम ओवल बनाने के लिए सी लिखेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है। चाहे आप इसको सर्कल काट लो, चाहे ओवल बना लो, ये आपकी मर्जी है। ये मैंने डबल पेपर लिया हुआ है ताकि जो है ना इसकी ग्रिप थोड़ी ठीक रहे, नहीं तो ये क्राफ्ट वर्क है थोड़ा सा ऐसे ही हो जाता है। ये देखिए हमारा ये ऐसे है, तो इसको पहले हम पेस्ट करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। ये देखिए हमारा ये पेस्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये ग्लिटर शीट काटेंगे जो कि हमने इस तरह से काटनी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी ए शेप में जानी चाहिए। तो चलिए इसको भी हम कटिंग करते हैं। इसको हम इस तरह से कर लेंगे पहले। ये देखिए इस तरह से मैंने कर लिया है, तो इसको हम इस तरह से ऐसे ले जाएंगे। वो कहते हैं ना ये वाली शेप, हमें कितनी लॉन्ग चाहिए, जैसे हमें इतनी लॉन्ग चाहिए, तो इसको हम इस तरह से ले जाएंगे। ठीक है, स्लैंटिंग लाइन यहाँ पे हमने जॉइंट कर लिया है और इसको अब हम इस तरह से अपर ले जाएंगे। ये देखिए इस तरह से। ओके, तो चलिए अब इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। अब इसको हम इस तरह से पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो चुका है। अब हम क्या लेंगे, अब कॉटन लेंगे, इसको थोड़ा सा इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसको यहाँ पे ऐसे गम लगा लेंगे और इसको इसके अपर साइड पे लगा देंगे इस तरह से। चाहे तो आप इसको इस तरह से भी काट कर ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से नहीं लगा रही हूँ, मैं ओनली सीधा लगा रही हूँ। ये आपकी मर्जी है कि आप इस तरह से भी कटिंग कर सकते हो, इस तरह से भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है। इसको लगाने के बाद अब हम ये लेंगे कॉटन, इसको हम इस तरह से थोड़ा सा करके थोड़ा सा इसको इस तरह से ब्रॉड करेंगे। इसको इस तरह से लगाना है ना, तो इसको ब्रॉड करेंगे थोड़ा। तो चलिए यहाँ पे भी अब हम गम लगाएंगे इसके। और इसको हम अब इस तरह से यहाँ पे उसके पेस्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब इसके नोज बनाएंगे और फिर अब इसकी आईज। तो ये देखिए हमारा जो सेंटा है ये बनकर तैयार हो चुका है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।